हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने इंस्टाग्राम से कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने इंस्टाग्राम से कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं? जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने एक फ्रेंड से कॉफी कॉल पे बात किया है, तो यहाँ से मैं अपनी कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस पर लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। बट हम आपको इस न्यू अपडेट के बाद हम आपको बताएंगे कि कॉल हिस्ट्री को किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर सकते हो। किसी की भी आप कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहो अपने इंस्टाग्राम से, तो किस तरीके से आप न्यू अपडेट में इंस्टाग्राम के कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो, पूरी जानकारी हम आपको न्यू प्रोसेस में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। इस तरीके से लिखकर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, तो अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई नया अपडेट आया होगा तो सबसे पहला काम आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स आपके इंस्टाग्राम पर जो न्यू फीचर आया रहेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने चैट के सेक्शन में चले जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैट के सेक्शन में चले आते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से जिसके भी चैट सेक्शन से आप अपनी कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से अपनी कॉल हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्या करना है कि इनके कॉल हिस्ट्री को इस तरीके से आपको दबा के रखना है, यानी कि इनके नेम पर इस तरीके से 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही डिलीट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इनकी कॉल हिस्ट्री और जितने भी चैट आपने किए होंगे वो सारा का सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स शेयर लिस्ट से भी हट जाएंगे और आपके कॉल हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। अब इन्हें अगर आपको दोबारा से सर्च करना रहे तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने इंस्टाग्राम के सर्च बार को ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर सर्च कर लेना उनका नाम। क्या सर्च करना है फिर ना, उनका नाम यहाँ पर इस तरीके से सर्च करेंगे, जैसा कि मेरे फ्रेंड यही है, तो इस तरीके से मैंने सर्च कर लिया। और सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, अब इनके पास मैसेज का दोबारा करने रहे आपको, तो यहाँ पर मैसेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभी आप मैसेज करना चाहते हो इस तरीके से आप मैसेज कर लीजिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप न्यू मैसेज अप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉल हिस्ट्री मेरी डिलीट हो चुकी है, और जितना मैंने चैट किया था इनसे सारा का सारा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी के भी कॉल हिस्ट्री को अगर डिलीट करना चाहो अपने इंस्टाग्राम से, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ये न्यू तरीका है, न्यू अपडेट है। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।